नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल घरेलू उपाय सरल तरीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो अंडर आर्म्स आपके काले भद्दे गंदे से दिख रहे हैं और आपको बहुत शर्मिंदगी होती है जब आप स्लीवलेस कपड़े पहनते हैं और लोगों के सामने कभी आपका हाथ ऊपर उठ जाता है और लोग आपको ये कहते हैं कि आपके अंडर आर्म्स बहुत ही काले और गंदे हैं, तब आपको शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। दोस्तों, कोई भी आपको ऐसा ना कर सके, इसके लिए मैं आपको एक घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके अगर आपके काले और गंदे से अंडर आर्म्स है तो आप उसे बिल्कुल भी दूर कर पाएंगे और एक ही इस्तेमाल में आपको फ़र्क नज़र साफ आएगा, आपके अंडर आर्म्स बिल्कुल गोरे हो जाएंगे। अब गोरे का मतलब होता है दोस्तों कि साफ़ हो जाएंगे, जो काली परत जो एक चढ़ी रहती है आपके अंडर आर्म्स के ऊपर वो परत हट जाएगी और आपका अंडर आर्म्स बहुत ही साफ सुथरा नज़र आएगा। दोस्तों, वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहली जो चीज़ लेने वाले हैं वो है एक चम्मच सूजी। जी दोस्तों, हम एक चम्मच इस्तेमाल करने वाले हैं सूजी का और सूजी जो है बहुत ही स्किन लाइटनिंग का काम करता है हमारे अंडर आर्म्स के लिए। दोस्तों, सूजी एक सामान्य सी चीज़ है जो हर घर में अधिकतर मिल ही जाएगी और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अंडर आर्म्स के लिए। जो अगली चीज़ हमें लेनी है वो है दोस्तों एक चम्मच बेसन। जी दोस्तों, एक चम्मच हमने सूजी लिया और अब एक ही चम्मच हमें बेसन का इस्तेमाल करना है इस स्क्रब को, इस पेस्ट को, इस मास्क को बनाने के लिए। आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, जो मैंने तीनों नाम दिए ये तीनों नाम आप इसे दे सकते हैं क्योंकि ये तीनों काम करने वाला है आपका एक ये जो हम पेस्ट बना रहे हैं वो। तो अगली चीज़ हमें लेनी है वो है टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट हो आप ले सकते हैं, मैं कोलगेट का टूथपेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, वाइट वाला, और ये आपको लेना है एक चम्मच के करीब, ये भी लेना है। और मेरा ये ख़त्म हो चुका है, थोड़ा ही बचा हुआ है, तो जितना बचा है मैं उतना ही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप एक चम्मच के करीब टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। और एक चम्मच के करीब ही हमें लेना है एलोवेरा जेल। सभी को सेम क्वांटिटी में लेके आपको इस्तेमाल करना है और इसका आपको एक जो है बहुत ही स्मूथ सा आपको पेस्ट बना लेना है, इसका एक घोल तैयार कर लेना है। आपको घोल ऐसा तैयार करना है कि ये आपको अंडर आर्म्स में लगाने के लिए तैयार हो जाए। ये देखिए अभी बहुत सूखा सा है ये, इसको हमें और भी इसको लिक्विडी बनाने की ज़रूरत है और पतला करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एलोवेरा जेल और मिला लेंगे और चाहे तो आप हल्का सा पानी भी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल ही और मिला लें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इसमें एलोवेरा जेल ही मिला रही हूँ और देखिए एक ये अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। हमें इसी तरह का पेस्ट बनाना है दोस्तों, ज़्यादा अगर पतला बना देंगे तो अंडर आर्म्स पे जब भी आप लगाएंगे तो बहना शुरू हो जाएगा, फिर और आपको दिक्कत महसूस होगी, इसलिए हमें ऐसा ही गाढ़ा पेस्ट बनाना है जिसका इस्तेमाल हमें अपने अंडर आर्म्स के लिए करना है। दोस्तों, मान लीजिए ये आपका अंडर आर्म्स है और इस अंडर आर्म्स पे हमें ये पेस्ट का इस्तेमाल करना है, तो कुछ इस तरीके से आप इस पेस्ट को अपने अंडर आर्म्स पे लगाएंगे, ऐसे अच्छे तरीके से फैला देंगे और देखिए कितने अच्छे तरीके से चिपक गया है, इसी तरह ये आपके अंडर आर्म्स में भी चिपक जाएगा। और आप इसको छोड़ देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए और 20 से 25 मिनट के बाद ये थोड़ा सूख जाएगा और सूखने के बाद में आपको क्या करना है कि इसको ऐसे राउंड शेप में, मतलब गोलाकार में, आपको इस तरह से मलते हुए इसको छुड़ाना है। दोस्तों, इसको डायरेक्ट पानी से नहीं धोना है, इसको आप इस तरह से मलेंगे तो ये क्या होगा, स्क्रबिंग होगा, आपके जो डेड स्किन है वो स्क्रब होंगे और स्क्रब होके ये आपके डेड स्किन हट जाएंगे, जिसकी वजह से काली जो परत जमी है, जो एक पतली परत जम जाती है स्किन की, वो परत स्क्रबिंग करने से हट जाएगी।
दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, इस पैक को बनाया है, इस पैक को बनाने में जो भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं उन सभी में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ब्लैकनेस को ख़त्म करता है, यानी कालेपन को ख़त्म करता है, और आपके अंडर आर्म्स पे जो काली परत जम चुकी थी उसको हटा करके आपकी अंडर आर्म्स पहले जैसी हो जाती है, जैसे पहले आपकी अंडर आर्म्स सुंदर और साफ़ सुथरी थी। दोस्तों जब हम मल लेंगे तो उसके बाद हम इस तरह से पानी से धो लेंगे, और धोने के बाद आप अपने अंडर आर्म्स को सुखा लेंगे, यानी कि कपड़े से उसको धीरे धीरे पोंछ देंगे। दोस्तों इसका इस्तेमाल नहाने से डेली पहले कर लें, और नहाने से पहले इसको लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि एक हफ्ते बाद ही आपका जो कालापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया रहेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी के अंडर आर्म्स का कालापन दूर हो सके। अगली बार नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों एक और सीक्रेट बात आपसे बताना भूल गई थी दोस्तों, वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपके प्राइवेट पार्ट को गोरा बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, आप प्राइवेट पार्ट पर भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें।